असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वैलकम कहती हूँ हम नोवेल जो डिस्कस करें दैट इज़ द साउंड एंड द फ्यूरी जिसको लिखने वाले हैं विलियम फॉकलर है। इस नोवेल के ऊपर ही हमारा लेक्चर नंबर सिक्स है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने राइटर का जो इंट्रोडक्शन है वो टाइटल सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेक्टर लिस्ट की इफेक्ट्स इन सब को डिस्कस कर लिया है आज के लेक्चर में हम थीम्स की बात करेंगे एंड देन इसे नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड हम लोग समरी को डिस्कस करने वाले हैं थीम्स इस नावल के थीम्स की बात की जाए तो सबसे वन मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड साउथ ये डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड साउथ क्या है हम लोग ऑलरेडी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो नावल है ये डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड साउथ के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है जिसमें जितना भी ओल्ड साउथ था जो उसके नॉर्म्स थे जो ट्रेडिशंस थे जो उसका कल्चर था सारा ख़त्म हो गया था और हमने देखा था ये डिक्लाइन कैसे हुआ था बेसिकली अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी और उस अमेरिकन सिविल वॉर में क्या हुआ था एक तरफ नॉर्दर्न के लोग थे एक तरफ साउदर्न के लोग थे जो नॉर्दर्न वाले थे वो स्लेवरी को ख़त्म करना चाहते थे जबकि जो साउदर्न वाले थे वो स्लेवरी को कंटिन्यू रखना चाहते थे वो अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे लेकिन उस सिविल वॉर के अंदर जो नॉर्दर्न के लोग थे वो जीत गए थे साउदर्न के लोग हार गए थे और हारने के बाद जब पेनल्टी होती है इनकी सजा मिलती है सजा के तौर पर क्या क्या गया एरा ऑफ़ रिस्टोरेशन शुरू हुआ उस एरा ऑफ रिस्टोरेशन के अंदर साउदन को रिस्टोर करने की बात की गई और जिससे क्या हुआ जो ओल्ड साउथ था उसका डिक्लाइन हो गया उसके ट्रडिशन उसके नॉर्म सब खत्म हो गया था उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसका सोशल स्ट्रक्चर उसका मॉरल स्ट्रक्चर सब कुछ डिके हो चुका हुआ था और यही डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड साउथ जो है हमारा रिस्पेक्टिव नावल का एक इम्पॉर्टेंट थीम है क्योंकि ओल्ड साउथ के डिक्लाइन के साथ सारी एरिस्टोक्रेसी थी उसका भी डिक्लाइन हुआ था ठीक है स्लेवरी रही नहीं थी ठीक तो वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स ऑफ द नावल इज द डिक्लाइन ऑफ द वंस प्रोस्पीरियस साउदर्न एरिस्टोक्रेसी द कॉम्पन फैमिली वंस अ प्रोमिनंट एंड रिस्पेक्टेड फैमिली इज नाउ फेसिंग इकोनॉमिक सोशल एंड मॉरल डिके रिफ्लेक्टिंग द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द ओल्ड साउथ ये है फर्स्ट थीम सेकेंड है फैमिली एंड रिलेशनशिप्स ये भी एक डोमिनेंट थीम है हमारे रिस्पेक्टिव नॉवल का जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स फैमिली रिलेशनशिप्स देखेंगे जो कॉम्सन फैमिली है वो डीपली रूटेड दिखाई गई हुई है अपने कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर अपने ट्रबल्स के अंदर और उस ट्रबल्स की बेस पे जो इनके रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा डिसफंक्शन है साथ ही साथ इनके अंदर जलसी भी नज़र आएगी हम लोगों को ब्रिटेड नज़र आएगा जो सिबलिंगस हैं उनमें भी कोई मोहब्बत नहीं दुश्मनी नजर आएगी हम लोगों को पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंटल बिहेवियर की बेस पे निग्लेक्ट नजर आएंगे तो इन शॉर्ट यहाँ पर हम लोग को जो फैमिली और रिलेशनशिप्स है वो ट्रबल्ड फॉर्म में नजर आएंगे डिसफंक्शनल फॉर्म में नजर आएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नजर आएंगे और यही फैमिली और रिलेशनशिप जो है ये स्टोरी को फर्दर प्रोसीड करेंगे मेन मोटो हम कह सकते हैं इसको स्टोरी का होंगे इसके बाद जो थीम है वो है टाइम एंड मेमोरी का टाइम जो है इस नोवेल के अंदर रिकरिंग थीम है इवन कि हम लोगों ने जब टाइटल सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था तो टाइटल इट्स सिर्फ टाइम एंड मेमोरी के थीम को भी हाईलाइट कर रहा था जिसको हम लोग इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं इवन राइटर ने टाइम एंड मेमोरी को थीम के हाई, के थीम को हाईलाइट करने के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक भी यूज़ की है बार बार पास्ट नज़र आएगा बार बार प्रेजेंट नज़र आएगा करेक्टर्स की मेमरीज उनकी थॉट्स हम लोग को नजर आएंगी तो टाइम इज अ रिकरिंग थीम इन द नोवेल एंड फॉगनर एम्प्लॉयज इनोवेटिव टेक्निक्स टू एक्सप्लोर द फ्लुड नेचर ऑफ मेमोरी एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन द करेक्टर्स मेमोरीज आर फ्रेगमेंटेड एंड द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफन ऑफर कंट्रीब्यूटिंग टू द सेंस ऑफ क्योर्स एंड कन्फ्यूजन इन द नोवेल टाइम एंड मेमोरी के साथ साथ आइसोलेशन एंड एलिनेशन अगेन इम्पोर्टेंट थीम है हम लोग इस नोवेल के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं सब ब्रोकन डिसहार्ट आइसोलेटेड दिखाई देंगे एलिनेटेड दिखाई देंगे सब कैरेक्टर्स अपने ही अंदर के डेमेंस के साथ स्ट्रगल कर रहे होंगे इसके अंदर कम्युनिकेशन गैप दिखाई देगा क्योंकि रिलेशनशिप्स भी कॉम्प्लेक्स हैं इसके अंदर जो रिलेशनशिप्स दिखाई गए हैं उनके अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना होने की बेस पे हर करेक्टर एलियनेटेड है हर करेक्टर आइसोलेटेड है जिस बेस पे उनको अपने ही रिलेशनशिप में कोई सोलेस नहीं मिल रहा कोई पीस नहीं मिल रहा क्लियर अब इसके बाद नेक्स्ट थीम है रेस एंड रेशल टेंशंस ये भी इम्पोर्टेंट थीम है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिक्लाइन ऑफ ओल्ड साउथ ये एक हिस्टोरिकल फीचर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस नोवेल का और ये कब हुआ अमेरिकन सिविल वॉर के रिजल्ट में इसी के साथ क्या हुआ जिम क्रोस लॉ भी आया था ठीक है जिम क्रॉस लॉ अब इस लॉ में क्या हुआ था सेग्रीगेशन कर दी गई थी रेशल टेंशन क्रिएट कर दी गई थी किसके दरमियान में एक तरफ थे अफ्रीकन अमेरिकन जो स्लेव्स थे ठीक दूसरी तरफ वाइट्स थे ठीक अब वहाँ पे ये किया वाइट्स और ब्लैक्स यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन और वाइट्स के दरमियान में सेग्रीगेशन कर दी गई यानी कि उनके दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की गई रेसिज्म का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया वहाँ पर जो सर्वेंट्स थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था इस जिम क्रोज लॉ के अकॉर्डिंग और वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों को इस नावल के अंदर में नजर आएगा इस नावल में भी जो सर्वेंट्स हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाएगा कैसे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनकी जो कम्यूनिटी थी उन्होंने इनजस्टिस फेस किया था इवन दो नॉर्दर्न स्टेट्स जीत गई थी स्लेव्स फ्री हो गए थे लेकिन इन जिम क्रोज लॉ की बेस पे जो स्लेव्स थे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको मार्जिनलाइज किया गया था उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था और वही डिस्क्रिमिनेशन उनको यानी कि वो जो उनके साथ हुई थी वो इस नावल में दिखाई गई है क्लियर तो फॉकडेयर एग्जाम डायनामिक्स ऑफ द अमेरिकन साउथ ड्यूरिंग द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी पार्टिकुलरली थ्रू द करेक्टर ऑफ दिल से द अफ्रीकन अमेरिकन सर्वेंट ऑफ द कॉम्सन फैमिली द नावल पोर्ट्रेज द रेशल हिरारकी ऑफ द टाइम हाईलाइटिंग द दिस्पर एंड इनजस्टिस इनजस्टिस फेस्ड बाय द अ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी कि जो डिस्पैरिटीज जो इनजस्टिस फेस किया था अमेरिकन अमेरिकन कम्युनिटी ने हमारे राइटर ने उस इनजस्टिस को भी इस नावल के अंदर दिखाया है एंड देन हमारे पास जो थीम आता है वो है लॉस एंड रिग्रेट। थ्रू एंड थ्रू इस थीम का हम लोग मोटो सॉरी इस नावल का हम लोग मोटो भी कह सकते हैं इसको जो हम लोग को थ्रू एंड थ्रू इस नावल के अंदर नजर आने वाला है और लॉस एंड रिगरेट का सबसे बड़ा जो विक्टम होगा वो क्विंटिन कम्सन का करेक्टर होगा क्लियर

नोवल है उसके अंदर आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर करेक्टर जो है अपनी आइडेंटिटीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं वो उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया हुआ है ख़ुद को खुद ही तबाह किया हुआ है सब है किसी ना किसी किस्म के बैटल के अंदर है और बैटल कौन सी है खुद की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने की खुद के पर्सनल डमेंस के साथ फाइट करने की क्लियर देन है सोशल एंड मॉरल डिके क्योंकि ये नॉवल डिक्लाइन ऑफ ओल्ड साउथ के परस्पेक्टिव से लिखा गया है इसलिए हम लोगों इस नोवेल के अंदर सोशल एंड मॉरल डिके का जो थीम है वो थ्रू एंड थ्रू नज़र आने वाला है इसके बाद हमारे पास इनहेरेंट ह्यूमन फ्लॉज तो हमारे राइटर ने इस नोवेल के अंदर जो ह्यूमन फ्लॉज हैं उनके बारे में बात की है ह्यूमन नेचर के बारे में बात की है इस नोवेल के अंदर करैक्टर्स के थ्रू डिफरेंट करैक्टर्स के थ्रू बताया गया कि जो ह्यूमनिटी है ना वो इनहेरि यानी कि जो इनहेरेंटली यानी शुरू से ही विरासत से ही देखा जाए स्टार्टिंग से ही देखा जाए इम्परफेक्ट है हर कोई अपने आप को स्टार्टिंग से ही डिस्ट्रैक्ट करता आ रहा है दिन जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन यानी हम यहाँ पे फैमिनिज्म भी कह सकते हैं जहाँ पे विमेन को एक्सप्लोय किया जा रहा है उनके ऊपर लिमिटेशन इम्पोज की जा रही हैं यही प्रेशर हम देखें कैडी भी है दिल से भी है इसके अंदर नॉवल के अंदर इन दोनों ने फेस किया था कैडी बेसिकली सही कॉमसन फैमिली जो है उनकी डॉटर है और दिल से इनकी सर्वेंट है दे बोथ आर फीमेल कैरेक्टर क्लियर तो ये थे इस नॉवल के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके समरी डिस्कस करने वाले हैं वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वो हमें खास याद रखेगा स्टेट यू दू टेक केयर